नमस्कार दोस्तों, आज दून आज तक की टीम देहरादून से रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर निकल पड़ी है और जो कि देखना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उनकी वानगी दिखाने के लिए कि देखिए मोदी सरकार ने अभी तक देहरादून से दिल्ली राष्ट्रमार्ग राजमार्ग को किस प्रकार से जोड़ा है। और ये दिखाने के लिए हम आपको आज देहरादून डाटकाली टनल से होकर हम गुजर रहे हैं, मैं और मेरे सहयोगी श्री वीरेश रोहिला जी। और हमारा इस टूर को दिखाने का ये मकसद है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की है उस घोषणा के अनुरूप कितने कार्य मोहन डाटकाली से शुरू हो चुके हैं। और इसका देखिए पहला नज़ारा अब आपको दिखाएं कि ये टनल जैसी ख़त्म होती है, इस ख़त्म होने के बाद ही इसके बराबर से एक नई टनल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है जिसके लिए पहाड़ों की कटिंग और डेमोग्रेशन का जो निर्माण है निशान दही जिसको बोला जाता है वो शुरू किया जा चुका है। और निशानों के बाद अब यहाँ पर जो है यथाशीघ्र रोड निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड से देहरादून से दिल्ली के लिए जो नया मार्ग बनना प्रारंभ हुआ है उसमें कार्य को कितना तेजी से किया जा रहा है। और जिसके लिए आप ये देखें ये मोहन की जो नदी है इसी पर ही प्रस्तावित पुलों के ऊपर से होकर जो टू लेन रोड है वो दिल्ली देहरादून हाईवे से जुड़ेगी जिससे कनेक्टिविटी जो दिल्ली से देहरादून की दूरी है वो अपने वाहन से 3 घंटे में पूरी की जा सकती है।